थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज ये जो लिखा गया है इसके पीछे मकसद क्या है केज के पास आने वाले हर आदमी के मन को झोड़ देना उसमें ये फीलिंग लाना कि डोंट बिहेव लाइक एनिमल्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एंड यू हैव कम टू सी दिन यू आर योर सेल्फ मोस्ट एनिमल इन बिहेवियर जानवर जैसा व्यवहार तो हम और आप कर रहे हैं जब हम धरती के साथ खेल रहे हैं खिलवाड़ कर रहे हैं खेल रहे हैं नी खिलवाड़ कर रहे हैं उसके संसाधनों का दोहन बिना किसी सोच के कर रहे हैं व्यर्थ में करोड़ों पेड़ों को काट रहे हैं आदि आदि Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself. This is one effort to create awareness among us. Like this, there are many other efforts being made all over the world now for the last few years. In different countries, many agencies are doing a lot of work to spread awareness. That has now dawned upon the most dangerous animal in the world. और इस प्रकार जैसा प्रयोग लुसाका में वो केज के अंदर किया गया है लिखकर इसी तरह की बहुत सारी बातें पूरी दुनिया में लिखी जा रही हैं और विश्व के इन एजेंसियों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने विश्व के इस सबसे खतरनाक जानवर के प्रति एक नई जागरूकता लाई है हम में एक नई जागरूकता लाई है सबसे खतरनाक जानवरों के मन में एक नई न्यू अवेयरनेस अवेयरनेस मतलब जागरूकता टू डॉन अपॉन मतलब जागरूकता लाना इट डोंट अपॉन मी अचानक विचार आना टू डॉन अपॉन मतलब विचार आना सो इट डोंट अपॉन The most dangerous animal in the world, thanks to the effort by these agencies. What has dawned upon them? The idea that they are the most dangerous animals. So don't behave like animals. Now, man has realized, thanks to these efforts by agencies all over the world, सब प्रयासों का परिणाम क्या हो रहा है जैसा प्रयास लुसाका में है जैसा प्रयास ग्रीन पार्टी ने न्यूजीलैंड में किया जैसा प्रयास नाइनटीन एटी सेवन में उस कमीशन ने किया और ऐसे बहुत से ऐसे प्रयास हुए जिसका परिणाम क्या हुआ नंबर वन man has become more aware he has realized that he has to behave properly with the nature and secondly that there is wisdom he has realized that there is wisdom in shifting from system based on domination to the one based on partnership underline that sentence system based on domination टू सिस्टम बेस्ड ऑन पार्टनरशिप क्या अर्थ हुआ उसका मानव ने महसूस कर लिया है इन सब प्रयासों के परिणाम स्वरूप कि डोमिनेशन मतलब दबाव आधारित प्रणाली ये दबाव आधारित प्रणाली क्या है मैन इज ट्राइंग टू डोमिनेट नेचर आज नेचर वर्सेस मैन के बीच की लड़ाई में मैं लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है मानो कि हम आपसे ज्यादा ताकतवर हैं प्रकृति को बार बार ये बताने की कोशिश करता है कि हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं हमको जो चाहिए हम प्रकृति से ले सकते हैं और वो कर रहा है लेकिन इसके परिणाम आ रहे हैं दुष्परिणाम आ रहे हैं एलिंग प्लेनेट हो गया है अस्वस्थ हो गया है धरती तो उसने महसूस किया है कि डोमिनेशन के आधार पर जो प्रणाली है सिस्टम है उसको हटाया जाए और साझेदारी पर आधारित प्रणाली को लाया जाए साझेदारी मतलब सहयोग कोऑपरेशन पार्टनरशिप नेचर से हम कुछ लें और हम नेचर को कुछ दें सहयोगी बने नेचर के साथ उतनी ही छेड़छाड़ करें जितनी जरूरत है जिसमें नेचर को नुकसान ना पहुंचे बस उतना ही करें सो डोमिनेशन बेस्ड सिस्टम बनाम पार्टनरशिप बेस्ड सिस्टम कोऑपरेशन बेस्ड सिस्टम यह शिफ्ट हुआ है मैकेनिक व्यू होलिस्टिक व्यू देन एकोलॉजिकल व्यू एंड हियर जो अभी तक आदमी सोचता था कि प्रकृति के मास्टर हम हैं हम मालिक हैं इस धरती के प्रकृति तो हमारी मुठ्ठी पर है अब वो सोच बदल रही है अब मैन सोचने लगा है महसूस करने लगा है अनुभव करने लगा है कि प्रकृति कि हम मालिक तो नहीं है भाई ज्यादा से ज्यादा तो हम प्रकृति के साथ पार्टनर हैं प्रकृति हमें डोमिनेट ना करे प्राचीन काल की बात करिए गो बैक टू हंड्रेड एंड क्रोर्स ऑफ प्रकृति यूज टू डोमिनेट अस नेचर यूज टू डोमिनेट अस, वी यूज टू रन अवे फ्रॉम नेचर यू रिमेंबर एज नो जंगली पुरुष जब हम हजारों साल पहले थे तो हम प्रकृति से भागते थे बिजली से पानी से बदलते हुए मौसम से घबराकर केव में छुपते थे समय तो प्रकृति डोमिनेट करती है। आज हम डोमिनेट कर रहे हैं। उस समय भी जो बुराइयां थी तो हमने डोमिनेट करना शुरू किया लेकिन अब हम इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं कि अर्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है सो नाउ द टाइम हैज़ कम वी मस्ट बिलीव इन पार्टनरशिप सहयोग की भावना हम लाए यह अब जरूरी हो गया है उसने महसूस किया है कि डोमिनेशन आधारित प्रणाली से बेहतर है साझेदारी आधारित प्रणाली सो कमिंग बैक टू द पॉइंट द ऑथर ट्राइज टू से दैट Fishes are being over eaten, over consumed because of protein. Forests are being over utilized, over cut to have uh, firewood, and so on and so forth for cooking, etc. etc. Uh, and he also says further that as a result of this, costs are going up. Firewood has become extremely expensive. And then what he quotes, what goes inside is now costing more than what goes outside. What goes under the pot now costs more than what goes inside it. And inside means the food material that is cheaper than the firewood. And so somebody has rightly said that in the coming days, because of these issues which has led to the planet ailing there will be a crisis of food fertilizer and fuel 3f food fertilizer and fuel they are the three major issues now and all this combined together Creates a picture which we call as the ailing planet, or which the author called as the ailing planet. Tropical forest he spoke about, and I narrated to you the tropical forest is somewhere in between. This Hindi kark or beach me ka that is the powerhouse of evolution because entire life seems to have evolved from there. The oldest fossils. oldest uh, living uh, examples are seen from here and unfortunately many of the species here many of the <coughs> varieties here of animals and plants are on the verge of extinction बिल्कुल समाप्त तो प्राय हो चले हैं और ये क्यों क्योंकि ये जो destruction कर रहा है आदमी जो कर रहा है destruction In the name of development, that is very bad. Coming to the next para, the author further moves. And he says that it has been well said that forest precedes mankind. The jungle Mankind, as I told you, means human मानव जाति और प्रसीड होना मतलब पहले आना प्रसीड सक्सीड बने बाद में एस यू डबल थ्री डबल टू सक्सीड मीन बाद में आना या सफल होना और यहां पर टू प्रसीड मने पहले आना पहले होना पहले घटित होना टू टेक प्लेस बिफोर टू हैपन बिफोर एंड सो समबडी हैज वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रसीड्स मैनकाइंड Deserts follow. It means what? Forest precedes mankind. Put man in the middle. Forest comes first, and de desert comes after the man. That means what we see is a sequence here: forest followed by man, followed by desert. Marubhumi, barren jamin. The world's ancient. पैट्रीमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज ना इरोडिंग एट द रेट ऑफ फोर्टी टू फिफ्टी मिलियन एकर्स ए ईयर दुनिया की जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो बेल्ट है वहाँ पर इरोजन हो रहा है सॉइल इरोजन को मतलब क्या होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है सॉयल इरोजन मतलब जहाँ भूमि भूमि का कटाव पानी के कटाव के कारण या पहाड़ों के कटाव के कारण मिट्टी जहाँ पे निकल जाती है बह जाती है हट जाती है एक जगह स्थाई नहीं रहती स्थिर नहीं रहती तो वहाँ सॉइल इरोजन हो रहा है और वो इरोड so हो रहा है सो नाउ इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट किस रेट पर इरोड हो रहा है फोर्टी फिफ्टी मिलियन एकर से ईयर चालीस पचास लाख एकड़ प्रति वर्ष की भूमि जो है बैरन होने होती जा रही है उपजाऊपन का कम होते जा रहा है अब कल्पना करिए इस दर पर यदि भूमि बैरन हो रही है सॉइल इरोजन हो रहा है तो हम अगले जनरेशन को क्या दे रहे हैं इन टाइम्स टू कम वी विल फाइंड दैट वेरी लेस लैंड इज लेफ्ट विच कैन बी कॉल्ड फर्टाइल एंड दैट इज ऑथर इज रिपीटेडली एलिंग प्लेनेट ऐसा ग्रह पृथ्वी जो बीमार होते चली जा रही है फर्दर एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव द सॉइल ऑफ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर एक तो हम इरोजन कर रहे हैं फॉरेस्ट कटिंग कर रहे हैं दूसरी ओर ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डंग क्या होता है इसका पूरा नाम है डंग काउडंग अर्थात गोबर भारत में आप देखते होंगे गोबर को उसका वा, वा, हाथ से चपटा करके उसको सुखाते हैं और फिर उसको जलाने का काम ले जलाने का काम करते हैं अपने लिए आ, जो आग का काम करते हैं तो काउडंग का जो बहुत उपयोग हो रहा है उस काउ डंग के उपयोग के कारण क्या हो रहा है कि जो बहुत अच्छा ये फर्टिलाइजर है अब वो भी लुप्त प्राय हो रहा है गायब हो रहा है इज दैट इज वॉट इज से बर्निंग डिप्राइव द सॉइल टू डिप्राइव मतलब किसी को किसी से वंचित करना तो so, काउडंग के छेना जिसको बोलते हैं गोबर का छेना वो छेने का उपयोग जलाने के लिए गोबर का उपयोग हम का डंग बनाकर जलाने का उपयोग करते हैं इससे परिणाम क्या हो रहा है कि सॉयल को जमीन को जो बहुत महत्वपूर्ण जो नेचुरल फर्टिलाइज़र मिलता है वो भी ख़त्म हो रहा है दूसरे शब्दों में बारंबार ऑथर इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि हम हर तरीके से अपने विकास के चक्कर में कहीं पर्यावरण का पतन तो नहीं कर रहे हैं और सच्चाई तो यही है ही पॉइंटिंग आउट एट द आदमी आदमी की जो खुद, जो खुद कर रहा है मानव जाति जो कर रही है विकास के नाम पर उसकी ओर बारम्बार इशारा कर रहा है द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट ए फाइव फोल्ड इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड वर्ल्ड बैंक जो एक ऐसी संस्था है जो इन सब चीज़ों का अध्ययन करती है उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यदि हमें वातावरण को सक्षम पर्याप्त उचित बनाए रखना है तो हमें क्या करना होगा एस्टिमेट मतलब अंदाज लगाना आई एस्टिमेट दैट आई विल गेट अबाउट 500 हंड्रेड रुपीज सेलिंग दिस मटीरियल मुझे अंदाज है कि मैं लगभग 500 रुपए कमाऊंगा इसको बेचकर। वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट ए फाइव फोल्ड इनक्रीज फाइव फोल्ड अर्थात पांच गुना पाँच गुना वृद्धि होगी करनी होगी वृद्धि किस में इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग जंगल लगाने में जंगलों में पेड़ लगाने में हमें पांच गुना वार्धक्य पाँच गुना वृद्धि करनी होगी तब जाकर हमारा वातावरण थोड़ा सामान्य हो पाएगा एंड दैट इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूएल वीमांड इन दर टू थाउजेंड ये लेख बहुत पहले का लिखा गया है और इस लेख को लिखने के दौरान लेखक कहते हैं नानी पालकी वाला कि सन 2000 में वर्ल्ड बैंक का कहना है कि सन 2000 में पांच गुना हमें बढ़ाना होगा 2000 आते आते तक यदि हमें कोप अप करना है कोप अप करना अर्थात टू कोप अप किसी के साथ मैच करना बराबरी करना आई कैन नॉट कोप अप विद द हीट असहनीय हो गई है सहन करना तो टू को इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड हाउ मेनी टाइम्स फाइव टाइम्स इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूएल वुड डिमांड सन 2000 में जो उपजलाऊ लकड़ी की जो मांग है जलाऊ लकड़ी की मांग जिसके लिए पेड़ों को काटे जा रहा है तनों को काटा जा रहा है तो जिस रेट पर उन पेड़ों को काटा जा रहा है जलाऊ लकड़ी की मांग वह सन 2000 हजार आते आते इतनी बढ़ जाएगी कि उसको बराबर करने के लिए कोपअप करने के लिए कितना हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे पांच गुना ज्यादा ऐसा हो रहा है बहुत बड़ी चिंता का विषय है डंग बनाकर नैसर्गिक खाद को नष्ट कर रहे हैं दूसरी ओर जलाऊ लकड़ी के नाम से पेड़ों को काट रहे हैं तीसरी ओर उन कटे हुए पेड़ों की क्षतिपूर्ति के रूप में हम पेड़ लगा नहीं रहे हैं पर्याप्त पेड़ लगा नहीं रहे हैं। और पर्याप्त का अर्थ क्या है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम पाँच गुना ज्यादा लगाना होगा कब की बात है दो सन दो की बात है आज दो चल रहा है उस समय के एस्टिमेट में पाँच से छः गुना आज तो निश्चित रूप से कई गुना ज़्यादा हो गया होगा और यही बहुत बड़ी चिंता का विषय है यही बहुत बड़ी आ, समस्या का विषय है एक सज्जन है जेम्स स्पेथ जेम्स स्पेथ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट उन्होंने कुछ दिन पहले कहा वी वे सीइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकर पर सेकेंड हम लोग कह रहे थे कि हम जंगल जो खो रहे हैं हर सेकेंड में एक एकड़ जंगल खो रहे हैं बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकर एंड ए हाफ टू ए सेकेंड उन्होंने जो अध्ययन किया है अपने रिसर्च के आधार पे तमाम रिपोर्ट्स के आधार पे मिस्टर जेम्स स्पेथ का कहना है कि जो लोग कह रहे हैं कि प्रति सेकंड एक एकड़ भूमि के जंगलों को काटा जा रहा है प्रति सेकंड कल्पना करिए विश्व में थोड़ा यहाँ काट रहे हैं थोड़ा वहाँ काट, काट रहे हैं थोड़ा कहीं और काट रहे हैं तो एक सेकंड में इतना काट दिया जाता है कि मानो एक जंगल जिसके जिसका आकार होगा लगभग एक एकड़ वह धराशायी हो जाता है पेड़ों को काट दिया जाता है इनका तो कहना है ये गलत है एक एकड़ नहीं एक दशमलव पाँच एकड़ ए एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकेंड प्रति सेकेंड हम डेढ़ एकड़ जंगल नष्ट कर रहे हैं कितनी बड़ी चिंता की बात है और इस लेख के माध्यम से और इस लेख को आपके इस अंग्रेजी के विषय में जोड़ने के पीछे अंग्रेजी सीखना तो मकसद है ही पर शायद उससे ज़्यादा बड़ा मकसद है आप लोगों को इस बात के लिए सचेत करना कि पहले जो हुआ हो गया आगे आप लोग ना करें अर्थात डिफॉरेस्टेशन ना करें प्रोटीन के नाम पर मछलियों का इतना वो भोजन आदि ना करें उसकी उत्पादकता बढ़ाए काउडंग उपयोग कम करें जलाऊ लकड़ी का उपयोग कम करें आदि आदि और उसके प्रति लोगों में चेतना जगाएं। ये लेख हमें आप में चेतना जगाने के लिए शामिल किया गया है कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ आर्टिकल 48 ए इफ यू नो एज ए स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस that uh, when we talk about constitution, we talk about constitution in terms of articles. an article, namely 48a of the constitution of india, it says that the state shall endeavor to protect and improve the environment, to endeavor many prayas karna, to endeavor स्टेट शेल एंडीवर एंड स्टेट मतलब क्या है एज ए स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस यू मस्ट नो दैट स्टेट डज नॉट मीन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ और स्टेट ऑफ पंजाब और स्टेट ऑफ कर्नाटका एलोन स्टेट ऑल्सो मीन्स और शासन जिसमें सरकार भी है शासन सत्ता भी है प्रशासन भी है सबको मिलाकर स्टेट कहते हैं वहाँ राज्य अर्थ नहीं होता वहाँ पर होता है स्टेट मने शासन तो यहाँ पर नानी पालखी वाला जो स्वयं बहुत प्रसिद्ध ज्यूरिस्ट रहे हैं कानून वित्ता रहे हैं कानून के बहुत बड़े आ, भारत में आ, बहुत बड़ा नाम जिनका रहा है उनका कहना है कि हमारे संविधान में ये प्रावधान है 48 ए के तहत आर्टिकल 48 ए की शासन जो है वह प्रयास करेगा टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट सुरक्षित वातावरण को सुरक्षित करना और वातावरण को सुधारना इसमें यह प्रयास करेगा कौन शासन एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री और ऐसा करते हुए वह सेफ गार्ड करना मतलब बचाना टू सेफ गार्ड देखिए दो शब्दों से मिला सेफ और गार्ड इन दोनों को मिलाकर सेफ गार्ड से तो टू सेफ गार्ड वॉट सेफ गार्ड द फॉरेस्ट जंगलों को बचाएगा शासन ऐसा प्रयास करेगा कि जंगलों को बचाया जाए ऐसा प्रयास करेगा कि वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल का जीवन जो है जानवर जो हैं उनको बचाने का प्रयास करेगा क्योंकि वाइल्ड लाइफ और जंगल इनका वातावरण से बहुत कुछ ताल्लुकात है दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड विद द एनवायरमेंट इफ वन ऑफ देम इज गॉन द होल साइकिल विल बी डिस्टर्ब एंड दैट इज वॉट वी से लाइफ साइकिल द होल साइकिल विल बी डिस्टर्ब एंड द ह्यूमन सिविलाइजेशन विल बी इन डेंजर एंड सो it is provided in our constitution that it is government duty to take effort to make effort to protect environment it is a government duty to make effort to safeguard forest and how protect the animals killing of animals poaching of animals and also at the same time इंश्योर दैट फॉरेस्ट वूड इज नॉट कट बट वॉट कॉज इज एंडस एंग्विश लेकिन नानी पालकी वाला कहते हैं बट संविधान में तो ये दिया है बट वॉट कॉज इज एंडस एंग्विश एंग्विश मतलब चिंता गहरी चिंता एंडलेस मतलब असीमित बहुत गहरी असीमित जो चिंता है उसका कारण कुछ और है इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एन्फोर्स इन इंडिया नानी पालकी वाला कहते हैं संविधान में तो एक प्रावधान है कि शासन का कुछ निश्चित करना है प्रयास करना है कि वह जंगल को बचाए जानवरों को बचाए और वातावरण को ठीक बनाए रखने में संतुलित बनाए रखने में का प्रयास करे लेकिन दुर्भाग्य एंडलेस एंग्वेज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है क्या कि कानून तो बनाए गए हैं लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड कानून तो बनाए गए हैं लेकिन इन कानूनों की कोई इज्जत नहीं और उसके साथ ही साथ इनको लागू ही नहीं किया जाता कागज में सब कानून बना रहता जहां तक भारत की बात है भारत के संदर्भ में विशेष रूप से उन्होंने कहा है नॉर Nor enforced in India. To enforce means to bring into practice. And then he says, for instance, Udaharan ke liye, for instance, matlab, Udaharan ke liye, for instance, the constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished. But they flourish shamelessly even after 44 years of freedom. पर्यावरण संबंधी कानून की ओर इशारा करते हुए वो उदाहरण देते हैं कि कैसे भारत में कानून तो बनाए जाते हैं पर वो लागू नहीं होते उनकी कोई इज्जत नहीं होती और उसका उदाहरण देते हैं और कहते हैं उदाहरण के लिए भारत में बहुत से कानून बनाए हैं टू एबॉलिश कास्टिज्म एबॉलिश करना मतलब हटाना जाति प्रथा को हटाने के लिए बहुत से कानून बने हैं अनटचेबिलिटी अछूत की जो प्रथा थी उसको हटाने के बहुत से कानून बने हैं और बॉन्डेड लेबर बॉन्डेड लेबर मतलब एक तरीके से दास प्रथा जहां पर मजदूरों को स्थायी रूप से कार्य करना पड़ता है किसी परिवार के प्रति किसी जमींदार के प्रति आदि आदि उसमें साहूकारी रहती है उसमें पैसे का खेल रहता है तो ये बॉन्डेड लेबर को लेकर ताकि मजदूर स्वतंत्र हों जाति प्रथा को लेकर और अनु और अछूत की समस्या को लेकर बहुत से कानून बने हैं। लेकिन बट दे फ्लरिशेम लेसली टू फ्लरिश मतलब बढ़ना वार्धक्य होना विकास होना विकसित होना एक और जहां रोकने के लिए इन चीजों को कानून बनाए गए हैं पर देखा जा रहा है कि ये सब तो बढ़ रहे हैं और विकसित हो रहे हैं जाति प्रथा और मजबूत हो रही है बॉन्डेड लेबर की दिक्कतें और बढ़ रही हैं, अनटचेबिलिटी अछूत की समस्या और बढ़ी हुई है दे हैव फ्लरिश एफ एल ओ यू आर आई एस एच ई डी देव फ्लरिश हैव ग्रोन शेमलेसली शेमलेस मतलब निर्लजता के साथ बढ़े कोई शर्म नहीं है कानून दरकिनार करते हुए इन सब मुद्दों पर किसी की कोई चिंता नहीं है ये सब जारी है और कब इवन आफ्टर 44 फोर ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इसका अर्थ क्या हुआ एंग्विश शब्द का अर्थ आप अच्छी तरह समझ लेंगे इट इज विद डीप एंग्विश दैट आई एम स्पीकिंग टू यू मैं बड़े दुख के साथ बड़े नाराजगी के साथ आपको ये कह रहा हूँ अफसोस के साथ कहना उसे कहते हैं एंग्विश इट इज एंग्विश वर्ड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यू मस्ट नो एंड सो नाउ वी प्रोसीड फर्दर नाउ फोर्टी फोर इयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना मतलब लागू होना बनना नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड फाइनली

जब संविधान सभा बैठती है जिसमें नामित सदस्य चुने हुए सदस्य पांच से ज्यादा बैठते हैं और हर एक संबंध में कानून बनाना शुरू करते हैं उसमें तीन साल लग गए 111 सौ हुई तो इस तीन साल की प्रक्रिया के बाद संविधान बनता है 26 नवंबर उन्चास को और लागू होता है ऑपरेशन में आता है 26 जनवरी 1950 26 november 26 january Pachas. so it came into operation on 26 january 1950 and add 44 years to that that means 94 1994 makes it 44 years that means this article you can make out is written in 1994 and Nani Palkiwala produces a report of World Bank, which says that we need to build forest at the rate of five times than the firewood being cut. And so, today's nine two thousand twenty-two, you can imagine the damage that must have been done already in terms of. फायर नॉल एक आदर्श जो भूमि है जहां पर पर्यावरण के लिए माना जाता है कि कितना जंगल होना चाहिए तो औसतन कहा गया है कि 33 प्रतिशत भूमि में जंगल होना चाहिए 33 परसेंट लैंड शुड बी फॉरेस्टेड बट देर आर मैनी मैनी एरियाज टाइम अर्लियर उ इट हैज बिन रिड्यूस टू थर्टी परसेंट ट्वेंटी एट परसेंट एंड वॉट नॉट सो फोर्टी फोर इयर्स हो गए हैं और अफसोस एंग्विश शेमलेस बड़े शर्म की बात है कि कास्टिजम बढ़ा जाति प्रथा बढ़ी रही है आप देखते हैं महसूस करते हैं अछरुत प्रथा दूर दराज क्षेत्रों में अंदरूनी क्षेत्रों में देखें तो वहां कोई कमी नहीं आई है अछूत प्रथा जैसी बुरी ऐसी जैसी बुराई की और उसके अलावा जो भी सोशल जस्टिस को लेकर जो भी कानून बने उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ अवर पार्लियामेंट एस्टिमेट कमिटी पार्लियामेंट की कमिटीज होती हैं अलग अलग विषयों की अलग अलग मुद्दों को लेकर डिफेंस कमेटी होम कमेटी एस्टिमेट कमेटी बजट कमेटी ऐसी कमेटी रहती तो उसमें में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसके सदस्य रहते हैं और इन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कौन नामजद करता है किस कमेटी में कौन सदस्य रहेगा स्पीकर लोकसभा के स्पीकर उनको नामजद करते हैं तो एक रिपोर्ट में जो उन्नीस सौ चौरानवे पंचानवे के रिसेंट मतलब अभी अभी 1994, में, जब ये लेख लिखा गया उस समय एक रिपोर्ट आई है इट फॉरेस्ट लाइटेड करना, आप समझते हैं? Highlight करना मतलब किसी को उभार के दिखाना किसी को और ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ अलग तरीके से लिखना विज्ञापन में कुछ चीजों को हाईलाइट करते हैं आप अपने उत्तर में कुछ चीजों को हाईलाइट करते हैं ताकि परीक्षा के पत्र पेपर को जांचने वाले का ध्यान उन हाईलाइटेड पोर्शन पे जाए तो वो हाईलाइटेड रिपोर्ट हाईलाइटेड व्हाट? उस रिपोर्ट ने किस बात पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है नियर कैटेस्ट्रॉफिक डिप्लीशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट। कैटेस्ट्रॉफिक मतलब खतरनाक भयावह, भयावह, अत्यंत चिंतनीय डिप्लीशन मतलब कमी टू डिप्लीट मतलब कम होना और डिप्लीशन मतलब कमी दिनों दिन भयावह कमी जो हो रही है किस में डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट में जंगल में जो जंगलों में जो कमी हो रही है जंगल की जो कमी हो रही है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है रिपोर्ट ने और कहा है भारत की स्थिति बड़ी खतरनाक है कैटास्ट्रॉफिक रिपोर्ट Catastrophic depletion of ऑफ इंडिया over ओवर last लास्ट फोर डेकेड्स फोर decade मतलब दस वर्ष का काल डेकेड कहलाता है सौ वर्ष का काल सेंचुरी कहलाता है और ऐसे ही पचास वर्ष का काल गोल्डन जुबली कहलाता है ऐसे ही सिल्वर जुबली होती है ऐसे ही प्लेटिनम जुबली होता है तो so, यहां पर चालीस वर्ष के काल में की वाला का कहना है कि एस्टीमेट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें कहा है कि स्वतंत्रता के बाद से जंगलों के कटाव में बड़ी भयानक स्थिति आ गई बहुत ज्यादा कटाई हुई है अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 million acre a year, जो सरकार के पास आंकड़ा है रिलायबल मतलब जिम्मेदार यहाँ वहाँ के आंकड़े नहीं सरकार के आंकड़ों के आधार पर यह देखा गया है कि वी आर लूजिंग फॉरेस्ट हम कितना जंगल खो रहे हैं तीन दशमलव सात बिलियन एकड़ ए ईयर सैतीस लाख एकड़ प्रति वर्ष की दर से हम जंगल काट रहे हैं कल्पना करिए ये सन चौरासी चौरानबे पंचानबे की रिपोर्ट है 1994-95 30 साल हो तीस साल होगा और इन तीस सालों में और क्या स्थिति हुई होगी आप सोच लें बद से बदतर एंड नानी पालकी वाला सेज दैट इन द लास्ट 40 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस थिंग्स हैव हैव ओनली फ्रॉम बैड टू वर्स दे नॉट इंप्रूव फर्दर और आगे वो कहते हैं लार्ज एरियाज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड बहुत बड़े बड़े क्षेत्र जिन्हें आधिकारिक स्तर पर वन भूमि कहा गया है फॉरेस्ट लैंड कहा गया है आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्री लेस आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्री लेस इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है क्योंकि ये जो वाक्यांश है इसको जैसे का तैसा ले लिया है ऑथर ने रिपोर्ट से अपने शब्द नहीं डाले हैं उसने अपने मन से उसने नहीं लिखा यह भाषा ही टेकन आउट द लैंग्वेज कॉपीड द लैंग्वेज एंड पेस्टेड इट एंड हैविंग डन सो ही हैज मार्क्ड इट इन इनवर्टेड कॉमा सो एज टू योर अटेंशन दैट द ऑफिशियल रिपोर्ट से सिचुएशन इज वेरी 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 बैड ऑफिशियली डेजिग्नेटेड सरकारी स्तर पर जिन क्षेत्रों को वन क्षेत्र कहा गया है इमेजिन बाकी जो ऐसे बहुत से जंगल हैं जिन्हें वन क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है लेकिन ऐसे क्षेत्र जिसको वन क्षेत्र घोषित किया गया है इसका मतलब ये है कि यहाँ वन ही रहेगा और वनों की किसी भी हालत में कटाई नहीं होगी कोई निवास स्थान मकान आदि नहीं बना सकता पेड़ों को काट कर। जब वन क्षेत्र घोषित होता है तो वहां किसी भी तरह की कटाई जघन्य अपराध है उसके लिए काफी अच्छी खासी पेनल्टी है जेल की सजा है उस सब के बाद भी ऐसे कानूनों के बनने के बाद भी ट्री लेस ट्री लेस पेड़ ही नहीं है वहां पर और इसीलिए नानी पालकी वाला कहते हैं इट इज विम लेस शेम लेसनेस एंड एंग्विश बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा इसीलिए नानी के वाला कहते हैं कि हमारे यहां कानून तो बनते हैं पर इसको कोई इज्जत नहीं देता उसको कोई लागू नहीं करता द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट एट टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स ये सरकारी आंकड़े हैं सरकारी आंकड़े के तहत तीन दशमलव सात मिलियन एकड़ जंगल हर साल कट रहा है नानीपाल की वाला का कहना है सच्चाई तो ये है कि एक्चुअल लॉस वास्तविक नुकसान कितना है सरकारी आंकड़े कुछ और बोलते हैं सरकार हमेशा ऐसे आंकड़ों को ऐसे फिगर्स को ऐसी संख्या को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के बताती है जहाँ पे उसकी बदनामी ना हो तो उसने तीन दशमलव सात मिलियन कहा वास्तव में ये संख्या और ज्यादा है एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एट टाइम्स आठ गुना ज्यादा है वास्तव में जो जंगल का नुकसान हो रहा है प्रतिवर्ष वो इस संख्या से आठ गुना ज्यादा है वास्तविक नुकसान एक्चुअल लॉस मतलब वास्तविक नुकसान एस्टिमेटेड मैंने कहा आपको टू एस्टिमेट मतलब अंदाज लगाना अंदाज होना इट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट एट टाइम्स द रेट इंडिकेटेड मतलब आंकड़े सरकारी आंकड़ों की तुलना में जो वास्तविक संख्या है वो आठ गुना ज्यादा है कल्पना करिए कितना विभक्त पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार कुछ कर नहीं रही है This is a very, very challenging situation. bahut badi Chinta hai. Next. Nani wala further writes a three year study using satellite and aerial photography. कंडक्टेड बाय द यू एन वॉन्स दैट द एनवाइ है किन्हीं तीन वर्षों में यूएन ने अध्ययन किया और वो अध्ययन करने का जो तरीका था बड़ा वैज्ञानिक तरीका था उसने सेटेलाइट की मदद ली और एरियल फोटोग्राफी की मदद ली ऊपर से फोटोग्राफ जिससे कि जंगल का आकार जंगल का घनत्व और जंगल की कटाई बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रहा है जंगल में घटते हुए पेड़ों की संख्या वो दिख जाती है संख्या नहीं दिखती है तो एक औसत निकालने में बहुत सरलता होती तो बड़े वैज्ञानिक तरीके से <coughs> बड़े वैज्ञानिक तरीके से किए गए रिसर्च के आधार पर जिसे यूएनओ ने किया है जिसमें सैटेलाइट और एरियल सर्वे की मदद ली गई उसमें चेतावनी देता है यूएन उस अध्ययन का परिणाम क्या चेतावनी किसको चेतावनी मानव जाति को चेतावनी सरकारों को चेतावनी और चेतावनी क्या है दैट सो बैडली वातावरण डिटोरियरेट मैंने आपको पहले बताया गिरावट होना हिज हेल्थ इज डिटोरियरेटिंग डे बाई डे उसका जो स्वास्थ्य है वो दिनों दिन गिर रहा है तो टू डिटेरियोरेट मतलब गिरावट होना योर परफॉर्मेंस इन द क्लास इज डिटेरियोरेटिंग एवरी ईयर कक्षा में तुम्हारे जो परफॉर्मेंस है वह वर्ष दर वर्ष गिर रहा है डिटेरियोरेट देखिएगा इसकी स्पेलिंग तो so, और डिटेरियोरेट हो रहा है क्या डिटेरट हो रहा है एनवायरमेंट प्रोप कुल वातावरण और इतना गिरावट हो गई कि अब वो क्रिटिकल कंडीशन में आ गई क्रिटिकल क्रिटिकल आप जानते हैं एक पेशेंट को जब हम अस्पताल ले जाते हैं तो सामान्य तकलीफ तो उसे जनरल वार्ड में रखते हैं और फिर स्थिति और बदतर होती है कहीं तो उसके बाद उसे हम डॉक्टर आईसीयू में लाते हैं और आई में भी जब सुधार नहीं होता और गिरावट होती है तो वो अंतिम पायदान रहता है जहाँ पर कुछ संभावनाएं रहती हैं पेशेंट के सुधार की वो कहते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट जहाँ पर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के ऐसे कगार पर पहुँच गया है कि वो अब गया तब गया की स्थिति हो जाए तब वो कहलाता है क्रिटिकल एक तो एक क्रिटिकल मतलब होता है आलोचनात्मक आलोचनात्मक और दूसरा होता है बहुत ही नाजुक क्रिटिकल मतलब नाजुक तो एक नाजुक स्थिति में जब आदमी पहुंच जाता है तो इस पार या उस पार कुछ नहीं कहता डॉक्टर बचेगा कि नहीं बचेगा और सामान्यतया अनुभव तो यही कहता है क्रिटिकल केयर यूनिट में जाने के बाद वहाँ से सकुशल जिंदा वापस आना आ, एक मिराकल ही है अजूबा ही रहता है यही स्थिति यहाँ पर यूएन का अध्ययन बताता है कि जो पर वातावरण है वह क्रिटिकल स्तर पर पहुंच गया है एक नाजुक स्तर पर पहुंच गया है इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड ये जो अध्ययन हुआ था यह 88 अट्ठासी देशों में हुआ था 88 कंट्रीज दुनिया में बाद हुए कितने देश हैं यूएन के जो मेंबर्स की संख्या है वो लगभग एक है 192 कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड विच आर मेंबर्स ऑफ़ द यूएनओ. तो 192 तो हैं ही प्लस कुछ दो चार देश ऐसे भी होंगे जो शायद सदस्य ना हों तो हम 192, 195 माने उसमें से आधे देशों में का ये अध्ययन है और जिन आधे देशों का अध्ययन है उसमें वैसे देश बहुत हैं जहाँ जो कभी वनों से आच्छादित थे तो स्टडी ऑफ द 88 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शोड कंडीशन बिकम क्रिटिकल कंडीशन ऑफ द दल एनवायरनमेंट हेज बिकम क्रिटिकल टू इन्वेस्टिगेट मतलब खोजबीन करना तो so खोजबीन के बाद ये पाया गया 88 देशों में खोजबीन की गई रिसर्च किया गया अध्ययन किया गया और पाया गया कि यहाँ की स्थिति दयनीय है शोचनीय है नाजुक है कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट फैक्टर डिस्टॉटिंग द कल्चर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी बेशक नो डाउट मतलब बेशक इसमें कोई शंका नहीं है कि ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या जो है ये डिस्टॉट मतलब जो रूप बदल रहा है डिस्टॉटिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी मानव सभ्यता मानव जाति का जो रूप बदल रहा है उस रूप को बदलने में एक बहुत बड़ा फैक्टर बहुत बड़ा योगदान किसका है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का इसके क्या मायने सो ऑन द वन हैंड द ऑथर दैट वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स फॉर टुडेज एनवायरमेंटल कंडीशन व्हिच इज फास्ट डिटेरियरेटिंग इज द फास्ट ग्रोथ इन पॉपुलेशन जनसंख्या की तेजी से वृद्धि जो है वह निश्चित रूप से वातावरण को खराब तो कर रही है और उसका एक मुख्य कारण है भविष्य में मानव समाज का क्या रूप रहेगा इसमें यह बढ़ती जनसंख्या की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी इट टुक मैन काइंड मोर देन ए मिलियन ईयर टू रीच फर्स्ट बिलियन अब देखिए जनसंख्या के आंकड़े के बाद आंकड़ों का खेल देखिए और आपकी आंखें खुल जानी चाहिए इट टुक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर टू रीच फर्स्ट बिलियन मानव सभ्यता को पहला बिलियन पहुंचने में पहले बिलियन की संख्या को पहुंचने में दस लाख वर्ष लग गए दस लाख वर्षों में विश्व की जो जनसंख्या है उसने बिलियन का फिगर टच किया दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 1800 और ये कब की बात है 1800 वर्ष 1800 हंड्रेड यानी आज से 200 वर्ष पूर्व 200 वर्ष पूर्व 10 लाख वर्षों के स्पैन में पहले के दौरान 1800 सौ ईस्वी में हमने पहली बिलियन हमारे यहाँ की जनसंख्या टच हुई विश्व की जनसंख्या लेकिन 1900 में स्थिति क्या हुई 100 वर्ष बाद 100 वर्ष बाद एक और बिलियन संख्या जुड़ गई 1800 में एक बिलियन थी 1900 में दो बिलियन हो गई वही पहला बिलियन 10 लाख वर्षों में हमने छुआ यहाँ दूसरा बिलियन 100 साल में हो गया एंड द ट्वेंटी सेंचुरी और 20वीं शताब्दी में यह 1900 की बात है बीस में कितना हुआ दो सन दो हजार में 3.7 बिलियन हो गया एक बिलियन को 10 लाख वर्ष दो बिलियन को 100 वर्ष और तीसरे 300 तीसरे 100 वर्ष में दूसरे 100 वर्ष में यानी 1900 से 2000 में हमने 3.7 बिलियन कर दिया द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन और ये प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात जब कर रहे हैं सो दैट इज द ईयर मे बी नाइनटीन नाइन्टी फोर द आर्टिकल वाज रिटन सो समवेयर अराउंड 2000 थाउजेंड वर्ष 2000 के आसपास विश्व की जनसंख्या पाँच दशमलव सात बिलियन रही होगी अब तो 20 साल उसको भी निकल गए एवरी फोर्थ डे द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजे बाय वन मिलियन हर चौथे दिन दुनिया की जनसंख्या 10 लाख से बढ़ जाती है कल्पना करिए कितनी बड़ी बात किस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है पर जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उस तेजी से क्या हम वे प्राकृतिक सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध हो पा रही हैं जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उस तेजी से उनके लिए भोजन का इंतजाम पानी का इंतजाम ऑक्सीजन आदि आदि की व्यवस्था ये सब प्राकृतिक चीजें हैं और प्राकृतिक होते हुए भी इनकी अपनी एक सीमाएं हैं एक निश्चित संख्या है एक निश्चित मात्रा है दे आर नॉट अनलिमिटेड वाटर इज ऑल्सो लिमिटेड जस्ट एज एनी अदर थिंग एंड सो यू कैन इमेजिन कि हर चार दिन में दस लाख नए लोग नए बच्चे पैदा हो रहे और ये संख्या तो अब बढ़ के और ज्यादा हो गई होगी आश्चर्य नहीं होगा यदि हम लेटेस्ट रिसर्च में पाए कि दो दिन में दस लाख की संख्या को अब हम छू रहे हैं So, this is author except okay, one reason for the present problem for the ailing planet is growing population.